और यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए टीम ने 13 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है जो लगातार नशा बेचने का काम कर रहा था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले भी नशा तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं जो कोर्ट में विचाराधीन है। जिला यमुनानगर में माननीय पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा जी के दिशा निर्देश अनुसार नशा बेचने वालों के खिलाफ हर रोज कार्रवाई की जा रही है। जो इसी दौरान कल हमारे को सूचना मिली थी कि चिट्टा मंदिर एरिया में गदौली गांव है, वहां पर एक युवक नशे का कारोबार कर रहा है, जिसके आधार पर हमने टीम को गठित किया और वहां पर मुखबिर के आधार पर गदौली एरिया में जाकर मुखबिर के आधार पर युवक को काबू करके उसका नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम दीपक उर्फ काला बताया और मौके पर राजपत्रीय अधिकारी को बुलाकर इसकी तलाशी ली गई, जिसकी पोजीशन से 13 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला है कि इसके खिलाफ पहले भी NDPS के 5 मुकदमे दर्ज है जो 2020 से नशे का कारण।